हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कोकोनट चटनी बनाएंगे। ये नारियल की चटनी है, इसे डोसा, इडली, उत्पम, बेदू बड़ा किसी के साथ भी खाया जाता है। और ये पराठे और ब्रेड टोस्ट जो है ना, उसके साथ भी बड़ा ही टेस्टी लगता है और बहुत इजी है बनाना, बड़ा झटपट बन जाता है। तो चलिए इसको देखते हैं मैंने कैसे बनाया है। और आप यदि मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ये रेसिपी पसंद आएगी तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। यहाँ मैंने आधा कटोरी चने की दाल ली है, जिसको थोड़ी देर के लिए सोक कर दिया था। और यहाँ पैन में थोड़ा सा तेल डाल के इसको फ्राई कर लेंगे। बस इतना फ्राई करना है कि ये दाल का जो कच्चा कच्चा टेस्ट होता है ना, वो ना आए, बस इतना फ्राई करना है हमें। और यदि आपको ये नहीं करना है तो रोस्टेड चना मिलता है, रोस्टेड चने की दाल मिलती है मार्केट में, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। बस इसको मैंने 3-4 मिनट के लिए फ्राई किया है, अब ये हो गया है। अब एक मिक्सचर जार में नारियल के टुकड़े ले लेंगे, छोटे छोटे पीसेस में मैंने ये कोकोनट काट लिए हैं। फ्रेश कोकोनट है, यदि आपके पास फ्रेश कोकोनट ना हो, ड्राई हो, तो उसको थोड़ी देर के लिए पानी में सोक करके रख दीजिए, वो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने 3 से 4 हरी मिर्ची ली है, मिर्ची आप अपने तीखा कितना पसंद है उस हिसाब से लीजिए। और एक मैंने लहसुन की कली ली है, 1/2 इंच का अदरक है, और एक छोटा सा प्याज लिया है, प्याज ज़्यादा नहीं डालना है, छोटा सा प्याज के टुकड़े डालने हैं, और हरी धनिया, और जो दाल हमने फ्राई किया था वो इसमें ऐड कर देंगे। नमक अपने स्वाद के अनुसार, जितना नमक आपको कम ज़्यादा चाहिए आप उतना डाल सकते हैं। और थोड़ा सा पानी ऐड करके, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा ही डालेंगे, जिससे बस नारियल हमारा अच्छे से पिस जाए। अब ये मैंने पीस लिया है, ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ा होता है ना ही ज़्यादा पतला होता है, आपको जैसा चाहिए आप उस वैसा कम ज़्यादा पानी ऐड करके कर सकते हैं। अब इसे एक बाउल में निकाल लेंगे और फिर तड़के की तैयारी करेंगे। अब यहाँ एक पैन में 2 चम्मच तेल गरम कर लेंगे, और उसमें 1 चम्मच मैंने छोटी चम्मच राई डाली है, मस्टर्ड सीड्स, और इसको चटकने देंगे। और 1 छोटी चम्मच मैंने उड़द की दाल ली है, ये बिना छिलके वाली उड़द की दाल होगी, और 1/2 छोटी चम्मच हींग का पाउडर डाला है, और इन सबको अच्छे से चला देंगे थोड़ा, जिससे कि सब अच्छे से मिक्स हो जाए, कुछ भी जल ना जाए। 10 से 12 मैंने कड़ी पत्ते लिए हैं, इसको भी ऐड कर देंगे इसमें, और 2-3 खड़ी लाल मिर्च ले लेंगे। इन सबको अच्छे से भून लेंगे जब तक कि ये मिर्ची का कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए और कड़ी पत्ता भी अच्छे से फ्राई ना हो जाए। अब इस तड़के को इस चटनी में जो हमने बनाया था उसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए कितनी जल्दी फटाफट से नारियल की चटनी रेडी हो गई है। अब इसे इडली, डोसा, बेदू बड़ा, पराठे, उत्पम, ब्रेड टोस्ट के साथ सर्व कीजिए, बड़ा ही टेस्टी लगता है। तो चलिए, आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। और मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।